Good evening class and welcome back to the channel your classes. Guys, this is your Kiran video solution. Live solution hote hain aapke Kiran book ke. Aapko milte hain daily basis pe. Time hamesha wahi rehta hai 4:30 PM. Aapki daily classes ho rahi hain Kiran book ke. Aapko mil rahe hain video solutions live. So don't forget to be there at 4:30 PM sharp every day. टॉपिक चल रहा है गाइस हमारा कॉमन एरर्स. टुडे इज डे 23 एंड कल तक हमने सॉल्व कर लिए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 275. आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 276 ऑनवर्ड्स. तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देती हूँ. हर दिन ही रिपीट करती हूँ बट स्टिल यू नीड टू नो कि क्या है हमारे सेशन के रूल्स. हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको देना है खुद को 1 मार्क. हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको देना है 1 मार्क. इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको देना है 0 मार्क. क्लियर है? इनकरेक्ट के लिए अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है कोई क्वेश्चन तो उसके लिए आप देंगे खुद को 0. करेक्ट देने के लिए करेक्ट क्वेश्चन अगर आपने आंसर कर दिया है विद इन 10 सेकेंड्स. टाइम लिमिट है 10 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. 10 सेकेंड के अंदर अगर आपने आंसर कर दिया है तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ 1 मार्क. एंड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग द रॉन्ग आंसर यू हैव टू गिव योर सेल्फ 0. क्लियर है? चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए. गाइस किसी को भी मिस नहीं करने हैं ये सेशन. अगर कोई न्यू स्टूडेंट है मिस हो गया है तो आप चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 276. तो हम आज कर रहे हैं 275 तक क्वेश्चंस के. बिल्कुल मिस मत करिएगा ये वाले क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है. हर एग्ज़ाम में आते हैं कॉमन एरर्स. अगर आप ले लेते हैं तो एरर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. SSC के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरण बुक. अब आपके एक तरीके से ग्रामर के सारे रूल्स यहाँ पर हो रहे हैं रिवाइज, है ना. ग्रामर के सारे रूल्स आपके एरर के क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज होते हैं. सो एरर के क्वेश्चन कर लिए मतलब आपकी कंप्लीट ग्रामर एक तरीके से रिवाइज हो जाती है. क्लियर है? अब गाइस बात आती है कि आपने ग्रामर पढ़ तो ली है, प्रैक्टिस कैसे करें. प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ. जैसे ही सेशन कम्प्लीट होगा आप जाइएगा प्ले स्टोर पर एंड प्ले स्टोर पर एक ऐप आप डाउनलोड करिएगा विच इज़ योर क्लासेस. सेशन के बाद डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल दिस ऐप इन योर फ़ोन योर क्लासेस. सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरी बात मन मानिएगा, जाके रिव्यूज़ देखिएगा. रिव्यूज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस हमारे ऐप में जो डिजी बुक्स हैं इनसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं SSC CGL एंड CHSL के एग्ज़ाम में, वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन. क्लियर है? तो एक बार आप रिव्यूज़ देखना फिर आपको डाउनलोड करना. एंड डिजी बुक्स से आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो. क्लियर है? सो इतने फ़ायदे हैं इसके घर बैठ के प्रैक्टिस करने का. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसमें आप मैक्सिमम तैयारी कर सकते हो एंड बाकियों से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो. सो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है टाइम. एक बहुत अच्छी चीज़ गाइस, ये लॉकडाउन ऑफर चल रहा है हमारा जिस पे आपको डिस्काउंट भी इनफैक्ट मिल जाएगा 10% का. तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. मेरा कोड है BY10, कैपिटल में BUY बाय एंड 1010. BY10 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. लिमिटेड पीरियड के लिए है ये डिस्काउंट. सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कूपन एंड डोंट फॉरगेट टू गो फॉर डिजी बुक्स. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 276 से. इट सेज सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ. कुछ लोगों ने मिस्टर शर्मा को नोटिस किया कि मिस्टर शर्मा अपनी चेयर पे गिर गए एंड ब्रीथ ले रहे हैं, बहुत तेज तेज ब्रीथ कर रहे हैं. ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसमें एरर क्या है. एरर लाइज इन विच पार्ट, 1, 2, 3 और 4. सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन. सो 10 सेकेंड के अंदर हर स्टूडेंट को आंसर कर देनी है ये चीज़. से क्या हो जाएगा गाइस, 10 सेकेंड्स हो गए हैं, आंसर करिए जल्दी से. चलिए गाइस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं है स्टेटमेंट में. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको लग रहा है कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके मुझे बताइए. ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट 276. क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. 4 देने वाले फटाफट से कर लेंगे अपना स्कोर अपडेट और 1 मार्क ऐड कर लेंगे अपने स्कोर में. गाइस नोटबुक पे सिर्फ अपना स्कोर लिखते जाइएगा क्योंकि लास्ट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइए और ख़ुद भी देखिए कि हर दिन आपका स्कोर किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है. क्लियर है? आपका स्कोर किस तरीके से अपलिफ्ट हो रहा है आप डेली खुद ही नोटिस करेंगे अगर आप डेली बेसिस पे सेशन कर रहे हो रेगुलरली. अब आते हैं 277 पे विच सेज दिस इज़ अवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू.
क्या मतलब है, ये हमारा सेकंड रिमाइंडर है आपको, एंड हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं कि अभी तक आपसे हमें कोई आंसर नहीं मिला है। 10 सेकेंड्स ही मिलेंगे सिर्फ आंसर करने के लिए, 10 सेकेंड के अंदर आपको कमेंट कर देना है कि क्या है सही जवाब। चलिए 10 सेकेंड हो भी गए हैं। अगेन दिस स्टेटमेंट कंटेन्स नो एरर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्लियर है। कोई डाउट है कहीं पे, लग रही है कि कहीं मिस्टेक है तो पूछ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 277 में। 277 से 278 सेज यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर। जल्दी से आंसर बताइए गाइज। एक चीज़ और, अगर आपको आपके पास बुक नहीं है रिवाइज करने के लिए, सेशन के बाद आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा क्वेश्चंस का। इन केस आपके पास बुक नहीं है कि आप कहाँ से रिवाइज करो, तो आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी इन सारे क्वेश्चंस की हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, टेलीग्राम के ग्रुप पे जिसका नाम है योर क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बस जाना है ग्रुप पे एंड वहाँ से पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आंसर करिए 278 गाइस। ग्रेटफुल क्या मतलब है ग्रेटफुल का? ग्रेटफुल कोई भी टर्म नहीं होता है, द वर्ड इज GRATEFUL। ग्रेटफुल की स्पेलिंग है GRATEFUL, जिसका मतलब होता है थैंकफुल, है ना, जिसका मतलब है थैंकफुल। सो GRETE ग्रेटफुल कुछ नहीं होता है, GRATE ग्रेटफुल है जिसका मतलब है थैंकफुल, थैंकफुल। सो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर मेंटोर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर 278। अगर सही दिया है तो +1 कर लीजिएगा अपने स्कोर में, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 279 विच सेज द फर्नीचर्स एंड द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। जिन लोगों ने पुराने सेशंस किए हैं उनको दिख रहा होगा कि कैसे कंसेप्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में, तो यही वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो जितनी बार रिपीट हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितनी बार कंसेप्ट रिपीट हो रहा है मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट है। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। फर्नीचर मैंने बताया था क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है, तो फर्नीचर्स की जगह पर क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा, है ना, फर्नीचर रिप्लेस करेगा फर्नीचर्स को। सो द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 दिया है तो फटाफट से खुद को भी +1 दे दीजिएगा, स्कोर अपडेट कर लीजिएगा अपना विद +1 जिनने सही आंसर दिया था विद इन 10 सेकेंड्स। क्लियर है, बिल्कुल ऑनेस्टली जज करिएगा खुद को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे विच इज 280 एंड 280 सेज मोस्ट पीपल हेयर आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोस्ट पीपल हेयर आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। जल्दी से आंसर बता दीजिए, 10 सेकेंड्स होने ही वाले हैं एंड द टाइम इज अप। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, समझिएगा। एक वर्ड होता है मोस्ट, एक वर्ड होता है मोस्ट ऑफ। दोनों में क्या डिफरेंस है? मोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी जनरल या बहुत ही बड़े ग्रुप की बात करते हैं, किसी भी जनरल ग्रुप की जब बात होती है तो हम यूज़ करते हैं मोस्ट का। एंड जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप की या ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ कुछ भी, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, किसी की भी बात होती है तो हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा है मोस्ट पीपल हेयर, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी स्पेसिफिक प्लेस की, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो इस केस में मोस्ट ऑफ द पीपल आएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्लियर। और मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा आर्टिकल द लगता है, क्लियर है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 देने वाले खुद को +1 दे दीजिएगा, स्कोर अपडेट करते चलिए, मुझे स्कोर बताते चलिएगा एंड लास्ट में ज़रूर कमेंट करेगा हर स्टूडेंट अपना स्कोर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 281 विच सेज आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू दिस फंक्शन, टू द फंक्शन आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। जल्दी से आंसर बताइए।
क्या होगा इसका आंसर? 10 सेकेंड्स हो भी चुके हैं. अटेंड के बाद प्रपोजिशन टू आता है क्या? अटेंड के बाद कभी भी प्रपोजिशन टू नहीं आता है, तो टू रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा? आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. 3 देने वाले कर लेंगे अपना स्कोर अपडेट विद प्लस 1. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज 282. ही इज रिजाइडिंग हेयर सिंस 1983. ये भी हमारा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, अभी तो कल ही रिपीट हुआ है अगर आपको याद हो तो. जिनने भी कल वाला सेशन किया है उन्हें पता है कि ये कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, कल के दो क्वेश्चंस में था ये. ही इज रिजाइडिंग हेयर सिंस 1983. जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए. किस पार्ट में है एरर? क्या रूल मैंने बताया था? सिंस यूज होता है हमेशा परफेक्ट टेंसेस के साथ, एंड सिंस 1983 मतलब तब से लेकर अब तक रह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे रिजाइड कर रहा है, रह रहा है. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो जाएगा, तब से लेकर अभी तक रह रहा है. जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है. सो ही हैज़ बीन रिजाइडिंग हेयर सिंस 1983. इसको रिप्लेस कर देगा कौन? हैज बीन. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. 1 देने वाले कर लेंगे अपना स्कोर प्लस 1. क्लियर है? स्कोर बढ़ाते चलिएगा. ठीक है, 282 का ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर. अब आते हैं 283 पे, विच सेज एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस. आंसर बताइए जल्दी से. एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस. क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर बताइएगा. एट हिज रिटर्न गाइस नहीं होता है, हमेशा हम यूज करते हैं ऑन हिज रिटर्न, मतलब उसके लौटने पे हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. सो ऑन हिज रिटर्न शुड बी द फ्रेज. एट हिज रिटर्न नहीं होता है, ऑन हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर 283. ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने दिया था या सोचा था, कमेंट किया था विद इन 10 सेकेंड्स, तो प्लस 1 अपना स्कोर जल्दी से अपडेट कर लीजिए. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 284. द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम. जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर. गाइज, एंटर्ड के बाद कभी भी इन इनटू इनसाइड नहीं लगता है. एंटर्ड के बाद प्रपोजिशन इन इनटू यूज नहीं होता है. द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम यूज करना सुपरफ्लस है. क्लियर है? सो द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. इनटू विल बी रिमूव्ड. ऑप्शन नंबर 2 दिया था, कमेंट किया था विद इन 10 सेकेंड्स, तो प्लस 1 कर लीजिए स्कोर. जरूर से अपना स्कोर बताइएगा मुझे लास्ट में, मुझे ही पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है आप लोग के में, इम्प्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं. क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 285, विच सेज शी इज वेरी एंग्री ऑन हिम. जल्दी से बताइए. ये कंसेप्ट भी रिपीट हो रहा है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर करिए, शी इज वेरी एंग्री ऑन हिम. टेन सेकेंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए. She is very angry on him. Guys, रूल क्या होता है? फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्वेश्चन है. angry with someone होता है. जब किसी पर्सन से angry है तो angry with यूज होता है. angry with him. क्लियर है? angry with someone का स्ट्रक्चर होता है. किसी पर्सन से angry जब है तो angry with लगाते हैं. She is very angry with him. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? 3 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे. कर दीजिएगा 3 मार्क अगर आपने दिया था आंसर, तो कर लीजिएगा प्लस 1 अपना स्कोर में ऐड. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? 286 सेज व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रोसीडेड हिम. जब आनंद विलेज पहुंचा तो उसने ये देखा कि उससे जुड़ी रिपोर्ट्स उससे पहले पहुंच चुकी थी.
जल्दी से आंसर करिए, ये भी कंसेप्ट रिपीटेड है, मैक्सिमम कंसेप्ट हमारे रिपीट हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट हमारी रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो सारे आंसर्स जानते होंगे, क्योंकि कंसेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होगा आंसर? मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी स्टेटमेंट में दो पास्ट इवेंट्स हो रहे होते हैं, एक पहला पास्ट इवेंट क्या है, जब आनंद विलेज पहुंचा, दूसरा क्या है कि उसके बारे में रिपोर्ट्स पहुंची। तो जब दो पास्ट इवेंट्स होते हैं तो उनमें से जो पहले हुआ होता है उसको हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। वो लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दोनों पास्ट इवेंट्स में पहले होता है। इनमें से पहले क्या हुआ है? जब आनंद विलेज पहुंचा तो उसने देखा कि उससे जुड़ी रिपोर्ट्स पहले ही पहुंच चुकी थी, तो रिपोर्ट्स पहले पहुंची है ना, इसको हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो क्या लिखेंगे? ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये इवेंट पहले हुआ था और आनंद बाद में पहुंचा था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 286 का ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। 3 दिया था तो कर लीजिए फटाफट से +1। रेगुलर स्टूडेंट्स को आंसर बिल्कुल पता होगा, क्लास इसलिए आपको नहीं मिस करनी है क्योंकि सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करिए 287 का आंसर। आवर सक्सेस और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। 287 का आंसर करेंगे। आवर सक्सेस और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। क्या होगा गाइज? रूल क्या कहता है? जब हमारे दो नाउन जुड़ते हैं और से, नीदर नॉर से, आइदर और से, तो उस केस में जो वर्ब यूज होता है वो अग्री करता है अपने नियरेस्ट नाउन को, हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को अग्री करता है। फेल्योर यहाँ पे नियरेस्ट है, फेल्योर सिंगुलर है, तो डिपेंड की जगह क्या हो जाएगा? सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिपेंड्स, एस फॉर्म ऑफ वर्ब, डिपेंड्स हो जाएगा। आवर सक्सेस और आवर फेल्योर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 देने वाले फटाफट से कर लीजिए अपना स्कोर अपडेट, +1 ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 288 द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। पुअर मैन ने खुद को और अपने खुद के बच्चों को जहर दे दिया। जल्दी से एरर बताइए। बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा। गाइस ये चीज एक रूल याद रखिए कि जब भी सब्जेक्ट एंड ये प्रोनाउन सेम हो, पुअर मैन के लिए ही तो यहां पे हिम यूज हो रहा है, जब सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन सेम होते हैं तो उस केस में हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पे हिम पुअर मैन के लिए ही यूज हो रहा है ना, कि उसने खुद को और अपने बच्चों को मार लिया, तो उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। हिम का रिफ्लेक्सिव क्या है? हिमसेल्फ, यहाँ पे यूज होगा हिमसेल्फ। सो द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 जिनने भी दिया है +1 कर लीजिएगा अपना स्कोर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 289 पे। 289 सेज इट वॉज इन 2006 that we first flew to the United States. का आंसर बताइए। इट वॉज इन 2006 when we first that we first flew to the United States. क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा गाइस? जल्दी से बताइए, 10 seconds ऑलरेडी हो चुके हैं। जब भी हम टाइम रिफरेंस में बात करते हैं, टाइम रिफरेंस में जब भी बात होती है तो दैट नहीं लगता है, व्हेन लगता है। वो 2006 की बात है जब हम पहली बार फ्लाई किए थे यूनाइटेड स्टेट्स को, जब हम पहली बार फ्लाई किए थे, टाइम रिफरेंस में बात हो रही है, इस वजह से व्हेन यूज होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हेन रिप्लेस करेगा दैट को, ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कॉमेंट करके। बाकी अगर 2 आंसर आपने किया है, समझ में आ गया है, तो स्कोर अपना बढ़ा लीजिएगा, +1 मार्क दे दीजिएगा खुद को।
क्लियर है, प्लस वन कर लीजिए अपने स्कोर में। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 290 पे, विच सेज द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। जल्दी से बताइए एरर क्या है इसमें, किस ऑप्शन में एरर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। इट इज बोथ करेक्ट, इट इज करेक्ट बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। 4 देने वाले कर लीजिए स्कोर अपडेट विथ प्लस वन। अब टाइम है स्कोर बताने का, सब लोग कमेंट करिए अपना स्कोर जल्दी जल्दी। आउट ऑफ 15 क्या रहा है स्कोर? क्वेश्चन नंबर 276 से हमने किया था 290 तक 15 क्वेश्चंस किए हैं आउट ऑफ 15। जल्दी से अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए एंड मुझे बताइए, मुझे भी पता चले एंड आपको खुद पता चले कि किस तरीके से आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी प्रोग्रेस, आपकी अपलिफ्ट हो रही है डेली। क्लियर है? चलिए लास्ट में फिर से एक बार बोलूंगी, प्रैक्टिस अगर आपको घर बैठ के करनी है सो गाइस द बेस्ट वे इज, सबसे अच्छी चीज़ तो है कि आपको डेली सेशंस मिल रहे हैं यहाँ पे रो योर क्लासेस पे। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशंस अगर आपको चाहिए लाइव क्लासेस के तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है। प्लस अगर घर बैठे प्रैक्टिस करनी है विच इज़ द बेस्ट वे एज ऑफ नाउ, लॉकडाउन चल रहा है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, डिजी बुक्स आर द बेस्ट वे। आपको ऑफर भी मिल रहा है, योर क्लासेस ऐप जाइएगा डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से एंड अगर आप मेरा कोड लगा दोगे बाय 10 तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। क्लियर है? लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बाय 10 यूज़ कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।